अंजुमन तरक्की उर्दू नालंदा द्वारा उर्दू कॉन्फ्रेंस व मुशायरा का आयोजन। बिहार शरीफ के सुगरा अल्पसंख्यक छात्रावास में आज अंजुमन तरक्की उर्दू नालंदा द्वारा उर्दू कॉन्फ्रेंस व मुशायरा का आयोजन किया गया, जिसमें भारी संख्या में लोग शामिल हुए। कॉन्फ्रेंस व मुशायरा की अध्यक्षता मुख्य अतिथि सचिव अंजुमन तरक्की उर्दू बिहार के अब्दुल क्यूम अंसारी साहब ने की, जबकि मुशायरे की अध्यक्षता नामचीन कवि बेनाम गिलानी ने की। इस अवसर पर अब्दुल क्यूम अंसारी ने मौजूद लोगों को संबोधित करते हुए कहा कि आज हम लोगों को एक जगह जमा होने का मकसद ये है कि लोगों को उर्दू के लिए जागरूक किया जाए, साथ ही साथ हर स्कूल में उर्दू की बेहतर शिक्षा बच्चों को दिलाई जाए और बच्चों के गार्जियन को चाहिए कि हिंदी इंग्लिश किताब के साथ साथ अपने बच्चों को उर्दू और अरबी की भी तालीम दिलाएँ, ताकि हमारे बच्चे दुनिया व आखिरत में मुकम्मल तौर पर कामयाब हों। वहीं सब मौके पर अंजुमन तरक्की उर्दू नालंदा के अध्यक्ष सुल्तान अंसारी ने बताया कि अंजुमन तारक के उर्दू नालंदा में बेहतर कार्य करेगा, साथ ही अंजुमन तरक्की उर्दू नालंदा ज़िले में उर्दू माहौल कायम करने का काम करेगा और पुनः पूरे हिंदुस्तान में उर्दू का डंका बजेगा। वहीं इस अवसर पर अंजुमन तरक्की उर्दू बिहार के अध्यक्ष निहालुद्दीन राही, सचिव आफ्ताब हसन शम्स, उपाध्यक्ष आफ्ताब आलम, डीएसपी मोहम्मद फैज़, बेनाम गिलानी, मुन्ना मालिक, डॉक्टर मुबस्सिर हयात, गुफरान नज़र, जाहिद अंसारी, मोहम्मद कुदरतुल्लाह, सरफराज खान, अरशद अस्थानवी, आसिफ आजम, सोगरा कॉलेज के सचिव एमबी शहाबुद्दीन, शाहिना नास, संदेवत भारती के अलावा भारी संख्या में बुद्धिजीवी गण के अलावा छात्र छात्राएं उपस्थित हैं।